हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सहन नहीं करेंगे ब्राह्मण समाज की उपेक्षा। राष्ट्रीय परशुराम सेना के संस्थापक संयोजक घेवर चंद सारस्वत ने कहा कि ब्राह्मण समाज को संरक्षण और सुरक्षा देना परशुराम सेना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से समाज का जो व्यक्ति ध्यान रखेगा उसकी मदद में संगठन पीछे नहीं रहेगा। सर्किट हाउस रोड स्थित प्रजापति नोहरे में स्नेह मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकारें ब्राह्मण समाज की उपेक्षा कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने ब्राह्मणों के लिए 14% आरक्षण देने का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसे लागू करने की मांग रखी है। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि ब्राह्मण समाज के सभी घटक एक होकर कार्य करेंगे तो शक्ति का संचार होगा। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के हित में योजना बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य जारी रहेगा। ब्राह्मण युवा नेता विकास शर्मा ने कहा कि परशुराम सेवा दल 15 साल पुराना है, लेकिन संगठनों की संख्या ज्यादा होने से इसे राष्ट्रीय परशुराम सेना में विलय की मैं घोषणा करती हूँ। इस अवसर पर पुरुषोत्तम जोशी, भवरलाल शर्मा के अलावा जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए ब्राह्मण समाज के लोगों की भागीदारी रही। ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय परशुराम सेना का गठन किया गया है, जिसमें पूरे भारत के ब्राह्मण सदस्य बनाए गए हैं। राजस्थान के तमाम 23-24 जिलों में हमने संगठन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के प्रतिनिधि भी हमारे बढ़ चुके हैं। हमारी मांग है ब्राह्मणों के हितों की सुरक्षा करनी, गरिमा और अस्मिता बनाए रखनी, संवैधानिक दायित्वों के तहत हमारे को अधिकारों का उपभोग करने के लिए हमें पूरे अधिकार देना, वोटों की राजनीति को लेकर के सामाजिक समरसता और सद्भाव को जो खाई बिना के पेश कर रहे हैं राजनीतिक दल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनको संविधान के तहत काम करने के लिए भगवान द्वारा सद्बुद्धि दिए जाना, और ये जो हमारे आरक्षण को लेकर के बेरोजगारी चीज, हमारे साथ दुर्भावना, हमारी उपेक्षाएं जो की जा रही ब्राह्मण समाज के साथ, ये अब सहन होने वाली नहीं है। हमारा दूसरा दायित्व है परशुराम राष्ट्रीय आयोग, श्री परशुराम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करनी, ताकि हमारे समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए उसमें क्या कमियां लाई जा सके, और राजनीतिक रूप से हमारे साथ जो हमारी कौम की, जो हमारे ब्राह्मणों की सुरक्षा करेगा, हमारे हितों का ध्यान रखेगा, उनको हम राजनीतिक मदद करेंगे, अन्यथा हम अपना प्रतिनिधि हर जगह खड़े करेंगे। जिस तरह अलग अलग जातिवाद देकर के सरकारें चल रही है, हम भी जातिवाद के तौर पे काम करेंगे, वरना हम राष्ट्रीयता के तौर पे काम करते हैं। और 14% आरक्षण जो तिवाड़ी फॉर्मूला के द्वारा मंजूर किया जा चुका है, हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो 14% आरक्षण जो मंजूर शुदा पड़ा है राजस्थान विधानसभा के द्वारा, उसको लागू किया जाए। और आपसी मांग हमारी शैक्षणिक, चिकित्सक और आर्थिक रूप से हमारी मदद की जाए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।